तो गाइस इस टाइम हम लोग एग्जाम सेंटर पे हैं और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, तो देखते हैं कि एग्जाम कैसे गया। माय डियर, आपका नाम? आकृति। आकृति, तो मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। तो कैसा गया, मतलब पहले के कंपैरिजन में एग्जाम लेवल कैसा रहा आज का? इजी था, बिकॉज इजी था। प्रिपेयर मैंने किया नहीं था, एफकेट के लिए नहीं किया था। ओके ओके। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो उसके बेस पे दिया, इट वाज इजी। सो जैसे कि मैम रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है, तो आप जानना है कि इस बार कितने कितने वेटेज रही थी इनकी? जीके के 25 क्वेश्चंस थे। 25 क्वेश्चंस जीके के थे। एंड रीजनिंग के 20। रीजनिंग 20। मैथ्स के 25। और इंग्लिश के 30। इंग्लिश के 30 थे। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या गया था आज? जीके छोड़ के सब स्ट्रॉन्ग। जीके छोड़ के सब स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो हम होप कर सकते हैं कि इस बार आपका एग्जाम क्लियर होएगा। क्लियर है, मैं हर बार होता है। ओके, ठीक है। तो देखा, मतलब बच्चों ने मेहनत करी है, एग्जाम पक्का पक्का क्लियर हो ही जाएगा। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू। तो भाई हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़े हैं जो डिफेंस अड्डा से तैयारी कर रहे थे, मोहित नाम है इनका। मोहित, कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर अच्छा था, मॉडरेट लेवल का पेपर था और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे थे, जिस टाइप के आपने कराए थे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, मतलब डिफेंस अड्डा से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला या कैसा लगा? सर MIQ सेशन जो आपका था उससे बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को। तो MIQ से प्रैक्टिस की थी? तो भाई देखो, मैं हमेशा बोलता था कि MIQ सेशंस मैं रात में लेता हूँ, ये बहुत सोचे समझे और बहुत मैच्योर सेशंस होते हैं। मैच्योर इन द सेंस कि मैं क्वेश्चंस का लेवल को बहुत सही सेट करता हूँ, ताकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे प्रैक्टिस पे आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले। तो कितने क्वेश्चन अटैम्प किए आपने? सर 79। 79 क्वेश्चन अटैम्प किए हैं और चांसेस हैं सारे सही होंगे? सर मैंने 2-3 तुक्के भी लगाए हैं जिनमें मैं 100% श्योर नहीं था, उनमें मैंने 2-3 में तुक्के भी लगाए हैं, बाकी मुझे लगता है कि मेरे 70 के आसपास करेक्ट होंगे। 70 के आसपास सही है, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि लगभग आपका नंबर जो है 200 के आसपास। हाँ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो पक्का है, SSB की तैयारी करो मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, खुश रहो। तो जैसा कि हमने 2-3 स्टूडेंट से बात की और एनालाइज किया कि पेपर बिल्कुल ठीक लेवल का आ रहा है, पेपर टफ नहीं आ रहा है, तो जो अपकमिंग जो शिफ्ट्स हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि भाई टेंशन लेना नहीं, इनसे सीख लो। पेपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी यहां पर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम आप लोगों को सेंटर से जुड़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए। सो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।